हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्टीन ऑफ फरवरी 2021 तो एंड तेरह फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिविजन सीरीज चालू की है एंड इसके अलावा हमारे यहाँ यहाँ सी का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है तो जिनको भी ज्वाइन करना है सी का कोर्स या फिर आपको करंट अफेयर्स का कोर्स तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो ठीक है ना स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब देना है पहला सवाल है नेशनल से से के अंतर्गत काम करती है ऑप्शन आर ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिस इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू इज मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन वॉज लॉन्च्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेश मेरी सहेली इनिशियेटिव में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है एंड इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमन ये भी याद रखिएगा तो आपका दो क्वेश्चन तैयार होंगे इससे तो ऑप्शन आर सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या डी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असमेंट काउंसिल क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टाइफी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज इट लॉन्च अ डायनामिक जॉब पोर्टल सक्षम टू एलिमिनेट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डायरेक्टली मैप द स्किल्स ऑफ लेबर्स विद एमएसएमई यानी कि इसने सेक्शन को स्टार्ट किया जो कि डायरेक्टली मैप करेगा स्किल्स ऑफ लेबर्स को विद तीसरा है सीवीड मिशन फॉर कमर्शियल फार्मिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ सी वीड्स सीवीड मिशन किसके लिए है कमर्शियल फार्मिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ द सी वीड्स आपको बताना है ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली या ऑल ऑफ दी ए वफ सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो आंसर्स मैं आपको नीचे एंड में बता दूंगा ऑफ कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको आंसर्स बता दूंगा

डू नॉट डिस्टर्ब मोड ताकि कभी किसी का वो ना आए बीच में नोटिफिकेशन एंड ऑल तो थोल पावा कूथू जो है इट इज बींग एनिमिनेटेड बाई अ रोबोट नाउ थोल पावा पहला चीज तो आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है ये जो नाम लिखा है थोल पावा कूथू दिस इज अ शेडो पपेट्री शेडो पपेट्री फ्रॉम केरला कहां से है शेडो पपेटरी इट इज फ्रॉम केरला एंड ये यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया जाएगा इसमें इसमें होता क्या है थोल कुथु में एपिक रामायण की स्टोरीज बताई जाती हैं की स्टोरीज बताई जाती हैं एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट चेंज क्या किया गया है कि यहाँ पे एक रोबोट चिप का इस्तेमाल किया जाएगा रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू टेल द स्टोरीज ऑफ द रामायण ठीक है ना लेदर पपेट्री में रोबोटिक मूवमेंट्स का डिस्प्ले किया जाएगा इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ये केरला का बहुत इंपॉर्टेंट एक

देन आपका है रॉड पपेट्री रॉड पपेट्री में पुतुल नाच होता है वेस्ट बंगाल में काठी कांधे होता है उड़ीसा में एंड यमपुरी होता है बिहार में रिमेंबर दीज नेम पहला ग्लव पपेट्री जिसमें पावा कूथू केरला का था रॉड पपेट्री जिसमें कि पुतुल नाच आपका काथी कांधे यमपुरी ये बिहार का है यमपुरी काथी कांधे उड़ीसा का है एंड पुतुल नाच वेस्ट बंगाल का है देन शेडो पपेट्री में आपका थोलू बुम्बालता होता है आंध्र प्रदेश का टोगा तो होता है कर्नाटका का तोल पावाकूथ होता है केरला का जिसको हमने देखा शेडो दायचे बहुल्य होता है महाराष्ट्र का रावण छाया होता है उड़ीसा का एंड थोल बोम्बलता होता है तमिलनाडु का याद रखेगा क्या क्या थोलू बोम्बलता आंध्र प्रदेश का तोगालू गोम्बेटा कर्नाटका का तोल पावाकुथ केरला का चमादायेचे बहुल्य महाराष्ट्र का रावण छाया उड़ीसा का एंड थोल बोम तमिलनाडु का स्ट्रिंग पपेट्री में आपका पुतुल नाच फ्रॉम आसाम अभी पुतुल नाच हमने किसमें था आपका रॉड पपेट्री वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का पुतुल नाच पुतुल नाच जो है वो रॉड पपेट्री है आसाम का पुतुलनाच जो है वो स्ट्रिंग पपेट्री में आता है गुम्बईअटा कर्नाटका कालासूत्री बहुल्य महाराष्ट्र एंड गोपालीला आपका उड़ीसा कठपुतली फ्रॉम राजस्थान एंड बोम्बलत्तम फ्रॉम तमिलनाडु दीज आर द स्ट्रिंग पपेट्री ये नाम याद रख लेना आप लोग थोल पावा कूथू तो आप जरूर याद रख लेना क्योंकि आज वो न्यूज में भी आ गया है अदरवाइज आप ये सारे कोशिश करना इतने ही है तो इनके नाम आपको याद रहे ठीक है ना दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण पुलावर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ थोल पावाकुथ जब जब सबसे कठिन पार्ट होता है थोल पावाकुथ का वो क्या होता है इट इज द लिंब मूवमेंट्स ऑफ द पपेट्स द लिंब मूवमेंट्स ऑफ द पपेट्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पपेट्री एंड नाउ दीज विल बी कंट्रोल्ड यूजिंग द रोबोटिक्स रोबोटिक्स की मदद से इसी को कंट्रोल किया जाएगा नाउ थोल पावा कुथु इज अ ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट इन केरला हैविंग इट रूट्स इन पलक्कड़ एंड नेबरिंग रीजन याद रखिएगा थोल पावा कुथु जो ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट है जो कि केरला का एंड पलक्कड़ रीजन में इसका रूट्स है इट यूज टू बी परफॉर्म इन द भद्रकाली टेम्पल ऑफ द पलक्कड़ टेलिंग टेल्स फ्रॉम द रामायण एंड इट इज ऑल्सो नोन एज निजाल कुथू एंड ओला ओलाकुथू याद रखेगा निझाल कुथू एंड ओला ओलाकुथ भी इसके नाम है भद्रकाली टेम्पल पलक्कड़ में होता था ट्रेडिशनल आर्ट है रामायण की स्टोरी बताई जाती है एंड निजाल कुथू एंड ओला कुथू आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस ठीक है ना तो ये भी आप याद रखें आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम कुछ और न्यूज आइटम्स बता देता हूँ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च अ पुलिस म्यूजियम एट द पुलिस हेड क्वार्टर इन भिंड मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश ने भिंड वाले रीजन में एक पुलिस म्यूजियम स्टार्ट किया एंड इट इज यूनिक म्यूजियम बेस्ड ऑन द ऑन द डेकॉइट्स टू शो केस देर स्टोरीज मतलब कि डेकॉइट्स और उनकी स्टोरीज को शो केस किया के जाएगा द म्यूजियम कंटेन सेवरल यूनिक आइटम्स जैसे कि फूलन देवी के बारे में निर्भय गुज्जर के बारे में उस रीजन के जो चंबल के अलग अलग ये थे उनके बारे में शोकेस किया जाएगा uh, विजयनगर अभी तक एक जिला नहीं था कर्नाटका का विजयनगर एम्पायर आप सबको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय सबसे बड़े जो उनके नाम थे कृष्णदेव राय का नाम लिया तो मैं उनकी रचना के बारे में भी आपको बता यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन पूछ सकता है मुक्त मलैदाई रिमेंबर लेट मी राइट इट डाउन ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये एक्चुअली एक किताब है अमुक्त अमुक्त मलयदा

वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन या इसको इनोग्रेट किया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसमें 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स को इनोग्रेट किया गया जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन के अंतर्गत अब ये कहां का कैंपेन है ये स्ट्रक्चर्स कहां पे किए गए मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक वाटर कंजर्वेशन वर्क इज कैरीड कैरीडउट इन प्रदेश रीजन अब चौथी जो न्यूज है वो टाइफेक से रिलेटेड है टाइफेक ने दो चीजें लॉन्च की काम क्या रहेगा तो और दूसरा सीवीड मिशन दूसरा सीवीड मिशन जिसको मैंने ऊपर आज क्वेश्चन भी पूछा था तो उसका आंसर वही दोनों होंगे ठीक है ना याद रखिएगा सारी चीजें तो द आंसर्स अभी मैं आंसर्स बता सकता हूं आप लोगों को अगर आप चाहें तो लेट मी टेल यू आंसर नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सी विल बी आंसर फॉर दिस मेरी सहेली इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च किया तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सी विल बी आंसर टाइफैक का जो आंसर है वो बी है यानी कि टू एंड थ्री पहला क्यों गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सी इसका आंसर सी नहीं होगा इसका आंसर टू एंड थ्री होगा देख लेना कौन सा है ठीक है ना नॉट कंसीडर एनी टेरिटरी सेज इंडिया गवर्नमेंट का कहना है कि हमने कोई टेरिटरी नहीं कंसीड uh, किया है टू द चाइनीज अब ये देख लो किस तरीके से इनका डिसंगेजमेंट हो रहा है ऑन द साउथ बैंक ऑफ पैंग सो इंडियन ट्रूस विल मूव बैक टू चूसूल एंड चाइनीज ट्रूप्स टू मोल्डो अब चाइनीज ट्रूप्स कहाँ तक जाएंगी मोल्डो जाएंगी और इंडियन इंडियन जो ट्रूप्स हैं वो कहाँ आएंगी चूसूल में आएंगी आफ्टर अ फ्यू डेज इंडियन ट्रूप्स विल मूव फर्दर डाउन मतलब इंडियन ट्रूप्स कुछ दिन बाद और पीछे जाएंगी जहां कहाँ जाएंगी तारा रोंगो पोस्ट पे जाएंगे तारा रोंगो पोस्ट पे एंड चाइनीज ट्रूप्स विल मूव टू दोरजो ठीक है ना दोरजो में चली जाएंगे तो ये लोकेशंस याद रखना रहे मोलडो एंड दोरजो जो चाइनीज वाली है एंड आप आ, अपनी कौन सी है आ, अपनी है चूसुल एंड तारा रोंगो रुंग, ठीक है ना ये याद रखेगा अभी कुछ रीजन और डिस्प्यूट में है जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है देवसांग प्लेन वाला रीजन है गलवन वैली वाला रीजन है तो दिस इज स्टिल इन द शेडो जोन अब इसके ऊपर डिसीजन लेना है डिसंगेजमेंट प्लान के बारे में इसमें भी बात करनी है सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है ना एक क्वेश्चन आपके लिए है एयर क्वालिटी इंडेक्स और नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स में आठ हैं, एम्बियंट एयर क्वालिटी में बारह हैं। उनके नाम आप मुझे लिख के बताइए बहुत बार मैंने पूछा हुआ है फिर बताइए अगर आपको याद है तो चलिए आप रिविजन के पर्पज से अपन कर लेते हैं लेकिन आपको बताना है रेलवे टू कनेक्ट मिजोरम कैपिटल बाय 2023 अब रेलवे ने क्या बोला है कि मिजोराम की कैपिटल यानी आइजोल को रेलवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा बाय 2023 2023 तक ठीक है ना नाउ दिस विल बी द फोर्थ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में आपका ये चौथा स्टेट रहेगा जिसमें कि रेलवे आने वाली है ठीक है ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यह चौथा स्टेट है जिसमें कि ये रेलवे के थ्रू कनेक्शन आ रहा है ठीक है ना अभी तक कौन कौन से हमारे स्टेट्स में आ चुका है नॉर्थ ईस्ट के तो ये दिसपुर आसाम वाले रीजन में अगरतला त्रिपुरा ईटानगर अरुणाचल तो ये तीन ऑलरेडी जो इंडियन स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में वहां पर ऑलरेडी आ चुका है एंड ये चौथा हो जाएगा आइजॉल जहां की आइजोल जो है वो चौथा हो जाएगा जिसमें कि आपका रेलवेज रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी ठीक है ना तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल ठीक है अभी तक हमारे कितने तीन स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं जहां पे रेलवेज आ चुके हैं चौथा स्टेट आपका ये मिजोरम रहेगा विच विल बी कनेक्टेड बाय द रेलवेज बाय ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस तक इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा एडिटोरियल में आते हैं एडिटोरियल में जो मेन आर्टिकल है वो है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शन एंड स्टेप्स विद इंडिया आर्टिकल लिखा गया है बैरी ओ फैरल द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के परिपेक्ष में ही ऑस्ट्रेलिया के रेफरेंस में ही आर्टिकल लिखा हुआ है सबसे पहली बात जो ऑथर बोलता है वो बोलता है वर्चुअल क्लाइमेट एडेप्टेशन सम्मिट के बारे में तो याद रखेगा वर्चुअल क्लाइमेट एडेप्टेशन सम्मिट को होस्ट किसने किया था तो नेदरलैंड ने होस्ट किया था वर्चुअल क्लाइमेट अडेप्टेशन सम्मिट होस्ट किया था नीदरलैंड ने ऑन जनवरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स जिसने की वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर कलेक्टिव एक्शन टू रियलाइज अटिलियंट फ्यूचर क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर को बनाने के लिए बेसिकली और ज्यादा एक्शन लिए जा सकते हैं यह हुआ कहां पर क्लाइमेट अडेप्टन समिट जिसको होस्ट किसने किया नीदरलैंड ने होस्ट किया जनवरी में ठीक है ना अब ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि बहुत सारे स्टेप्स वो ले रहे हैं बेसिकली उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर रिसेंटली अगर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हुए थे तो बुश फायर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज अबाउट द लैंड विद द मॉडर्न सिर्फ मॉडर्न साइंस से काम नहीं चलता है ट्रेडिशनल जो आपका इंडिजिनस नॉलेज है उसको आपको काम पे लाना पड़ेगा एंड यू हैव टू यूज दैट आपको लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट एरियाज में जो रह रही हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बेटर प्रोटेक्ट बेटर कंजर्व द फॉरेस्ट रीजन ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द ड्राइस्ट इनहैबिटेड कॉन्टीनेंट्स इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने बोला इट इज़ वन ऑफ द ड्राइस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड वी ऑल्सो हैव द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स एंड सम रिचेस्ट बायोडावर्सिटी इन द वर्ल्ड तो ऑस्ट्रेलिया एक वन ऑफ द ड्राइएस्ट इनहैबिटिड कॉन्टीनेंट है लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स एंड समिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन्स भी हैं चाहे वो एबोरिजनल्स हों चाहे टॉरेस स्ट्रेट आईलैंडर पीपल हो ये सारे काफ़ी पुराने हैं काफ़ी ज़्यादा प्रमेटिव यहाँ पे लोग रह सकते हैं रहते हैं ऑस्ट्रेलियंस के बाद जैसे और कुछ इनिशिएटिव उन्होंने अपने बताए वो हमको नहीं देखने ऑस्ट्रेलियन इंडिया का हम देखते हैं थोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है जिसको कि हम बोलते हैं सी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है दो दिन पहले भी सी क्या है आपका कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर सी डी आर आई दो हजार उन्नीस में स्टार्ट किया गया ये ऑन द इनिटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इसके बारे में ऑथर ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ काम करना चाहता है ताकि और ज्यादा क्लाइमेट रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके इसके अलावा ऑथर ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में बताया कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस के भी ऑस्ट्रेलिया उसका पार्ट है एंड ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा मतलब सोलार एनर्जीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है है ना एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने बोला कि इनिशिएटिव इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं ऑन द वाटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए फिर ऑथर ने कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऑफ द टुमारो के बारे में बोला है तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के नाम याद रख लेना क्यों क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक ऐसे पूछा हुआ है है ना दो का अगर आपको ऐसे याद हो तो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ग्रीन कौन, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज

एनर्जी स्टोरेज टू बैकअप रिन्य डी कार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट एंड लो टू जीरो एमिशन स्टील एंड एलुमिनियम लो टू जीरो अमिशन स्टील एंड एल्युमिनियम कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज सॉइल कार्बन एनर्जी स्टोरेज टू बैकअप रिन्यूएबल डी कार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट को डी कार्बोनाइज करना है हाइड्रोजन का यूज करना है तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि लेटेस्ट है और इनका यूज करने से क्लाइमेट चेंज को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि असिस्टेंस मिलेगा फिर इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जॉइंट एनर्जी डायलॉग जो है दैट विल स्ट्रेंथन द कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज जो कि हाइड्रो स्टोरेज कॉस्ट इफेक्टिव बैटरी टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी फ्लाई एश मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सोलर फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग तो ये सारी चीज़ों में हम चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया जॉइंट एनर्जी इनिशियेटिवस और लो एनर्जी लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और दोनों पार्टनर्स को मिलकर के काम करना है पार्टनरशिप विल बी द की इन दिस रेफरेंस तो दैट इज द थिंग विच मेंशन इन दिस आर्टिकल दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा सेल्फ रेगुलेशन कल मैंने आपको बताया था कि एक सेल्फ रेगुलेशन कोड जो है जो आई एम ए आई द्वारा मतलब कि उन, उनके अंतर्गत तो उन्होंने रिलीज किया है नेटफ्लिक्स हो गया हॉटस्टार हो गया तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी सेल्फ रेगुलेशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कोविड नाइनटीन के टाइम पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है ना और इनको अभी तक रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि सेंसरशिप टाइप की कोई चीज करे या रेगुलेट करने की कोई चीज करे फिर नंबर ऑफ एफ आई आर वर इंक्रीजिंग चाहे आप तांडव का केस देख लो कितने सारे एफ आई आर हो गए है ना जो कि साइबर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं ऑप्शीटी को प्रमोट करते हैं काफ़ी शो सोशल एनिमिटी को प्रमोट करते हैं काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि प्ले मतलब रिलीजन स्पेसिफिक कई सारी चीज़ें ऐसी रहती जो गलत रहती इन शोज में अब जब इनका रेगुलेशन नहीं होगा तो ये चीज़ें इंपैक्ट प्रोवाइड करेंगी सोसाइटी को सोसाइटी को इंपैक्ट करेंगे इस कारण से इनके ऊपर रेगुलेशन जरूरी है एंड ये जो सेल्फ इनिशिएटिव सेल्फ रेगुलेशन इनिशिएटिव आया है जो ओ सर्विसेज के अंतर्गत इसको एक चांस देना चाहिए एस ऑथर ने कहा कि यू शुड गिव अ चांस टू दिस क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं कि अवॉइडिंग बाय द आई पी सी वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट से अवॉइड करना कॉपी राइट्स एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन पेरेंटल कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट माइंड वाइल्ड फॉर्मिंग दीज सेल्फ स्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा जिसको चेयर किया था श्याम बेनेगल जी ने दो हजार सोलह में और उसने कुछ चीजें बोली थी कि आपको ये देखना है कि फुल ओनरशिप ऑफ विजल प्रोडक्शन लिविंग डिसीजन टू ऑडियंसेस है ना एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द व्यूअर एज फिल्म बाई व्यूअर एज मतलब आपको ओ में भी अब शोज को और इन सबको व्यूअर एज के थ्रू आपको करना है ये सारी चीज़ें मतलब कि बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि श्याम बेनेगल कमेटी के रिकमेंडेशन थे उनको फॉलो करते हुए ये कोड जो है वो आया है तो वही ऑथर ने कहा है कि लेट इट बी देयर फॉर सम टाइम गिव इट अ चांस एंड उसके बाद आप देखिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है अगर ये नहीं काम करता सेल्फ रेगुलेशन तो फिर आप अलग से अपना बनाइए इन श्रिंकिंग habitats, desperate कैट्स अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया है ऑन द श्रिंकिंग हैबिटेट्स ऑफ द टाइगर्स एंड टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो घटता जा रहा है अब ये इसमें कुछ इस आर्टिकल में चीज़ें तो अच्छी भी हैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के हिसाब से वो पहले मैं आपको बताता हूँ पहले इसमें कुछ नाम है जैसे तिपेश्वर टाइगर सेंचुरी तिपेश्वर टाइगर सेंचुरी कहां पर है तो याद रखेगा में आता है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है है तिपेश्वर टाइगर सेंचुरी वहां आता कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में आता है कवल टाइगर रिजर्व कहां आता है तेलंगाना में आता है टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट करता है तो टाइगर सेंसस कंडक्ट करता है एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और हर चार साल में टाइगर सेंसस होता है टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी फोर इयर्स इसके बाद एक नाम आएगा तड़ोवा तड़ोवा अंधरी जो है वो महाराष्ट्र में है इंद्रवती टाइगर रिजर्व का नाम आएगा इंद्रवती टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में ठीक है ना तड़ोबा इंद्रवती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है आपका कवल कहाँ पर है आपका तेलंगाना में है एनटीसीए क्या करता है एनटीसी आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो टाइगर सेंसस कंडक्ट करता है हर चार साल में और स्टेट्स द्वारा जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान होते हैं वो एन को ही दिए जाते हैं तड़ोबा आपका महाराष्ट्र में है ना कंफ्यूज मत होना तड़ोबा महाराष्ट्र में है तिपेश्वर आपका तिपेश्वर महाराष्ट्र में है आपका इंद्रवती आपका छत्तीसगढ़ में है एंड कंवल आपका तेलंगाना में है ठीक है ना कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि टाइगर का क्यों कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द हैवी फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट जो है चाहे वो टाइगर कॉरिडोर चाहे कुछ भी हो तो फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द रीजन और फ्रेगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चरल इंक्रोचमेंट ठीक है ना एग्रीकल्चरल इंक्रोचमेंट इज दैट फॉर्म फिर पोडू के बारे में लिखा है कि पोडू वॉट इज पोडू इट इज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड बाय द आदिवासी ठीक है ना पोडू जो होता है एक तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है रूटीन रूटीनली इन्वोव बाय द पॉलिटिकल लीडर्स टू जस्टिफाई फॉरेस्ट फेलिंग अब पोडू का नाम लगा करके कई जो पोलिटिकल uh, लीडर्स होते हैं वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं मतलब कि बोल देते हैं कि अरे ये तो आदिवासी द्वारा की गई पोडू वाली फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो याद रखिएगा झुम और पोडू जो होते हैं ये एक फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन होते हैं ठीक है ना इसमें फॉरेस्ट को काटा जाता है हटाया जाता है जला दिया जाता है स्लैश एंड बर्न अपन बोलते हैं ना स्लैश एंड बर्न उसी का एक फॉर्म है पोडू भी ठीक है ना अब ऑथर ने वही कहा कि पोडू का नाम लगा करके कई नॉन ट्राइबल लोग भी हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं और बोल देते हैं कि ये पोडू के अंतर्गत किया जा रहा है ठीक है ना इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे कि गो, गोलेटी माइंस है ऑफ द सिंगारेनी कोलरीज सिंगारेनी कोलरीज के अंदर जो गोलेटी माइंस है फिर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं पेडा बागू आड़ा विलेज में तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिन कारण से और ज्यादा टाइगर टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है ये सारे इशूज यहां पर बताएगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स यू कैन मूव विद मी पीएचडी एंट्री इन आई आई टीज टफर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तो अब ये एक आर टी आई के अंतर्गत रिजल्ट आया आर टी आई के अंदर जो मिला है आंसर उसमें पता चला है कि जो आई आई टीज है वहां पे पी एच डी करने अगर जाओ तो एक्सेप्टेंस रेट या एक्सेप्टेंस रेट का मतलब क्या होता है कि हर हंड्रेड स्टूडेंट्स पे कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है हर हंड्रेड स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है दैट इज द एक्सेप्टेंस रेट तो ये जनरल कैटेगरी के लिए फोर uh, परसेंट निकला एंड ओ बी के लिए टू पॉइंट सेवन परसेंट निकला टू पॉइंट वन सिक्स परसेंट निकला एस के लिए एंड टू पॉइंट टू परसेंट निकला फॉर द एस टीज मतलब कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए थोड़ा टफर है ऑथर ने कहा है कि जो रिजर्वेशन uh, पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो मैंडेट करती है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फ्रॉम एस टीज फिफ्टीन परसेंट एस सीज ट्वेंटी सेवन परसेंट ओ बी सीज है ना ये इतना करती है लेकिन अगर आप जब ऑन ग्राउंड देखोगे तो वहां पे देखोगे कि केवल 23 परसेंट है आपके ओबीसी थ्री परसेंट है एंड वहां पे आपके जो 65.6 परसेंट है वो जनरल के हैं 65 आपके जनरल के बाकी बचा जो आपका दो तीन परसेंट वो आपका किसके पास जा रहा है वो एस सी एन एस टी के पास जा रहा है तो यही वाली चीज है कि एक्सेप्टेंस रेट देखो क्या लिखा है फोर परसेंट टू पॉइंट सेवन परसेंट टू पॉइंट वन सिक्स एनऑल एंड एडमिटेड में अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 72.1 परसेंट आपके एडमिटेड जनरल uh, के थे 19.5 आपके ओबीसी uh, के थे, देन आपके एससी के थे uh, 7.3 के तो दिखाता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से एक एडमिशन बायस है तो इस टर्म को याद रखना अब कभी अगर आंसर राइटिंग करने का वो रहे जिसमें आपको इस तरह के कोई फैक्ट दे सकते हैं तो आप उसको वहां पर मैंशन कर सकते हैं ठीक है ना यहाँ पे कलरी पयत्तु लिखा हुआ था एक मार्शल आर्ट है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कलरी पयत्तु फ्रॉम केरला तो कलरी पयत्तु इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला गटका इज फ्रॉम पंजाब गटका जो है वो एक पंजाब से है कलबेलिया राजस्थान से है कलबेलिया नाम याद रखना कलबेलिया फ्रॉम राजस्थान ना है ना ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ याद रखेगा यूएन एजेंसी फ्लैग चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन यमन तो यमन जो कि सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे आता है मैप में अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे अटैच कंट्री है यमन और वहां पे चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है यहाँ पे देखो लिखा है नंबर ऑफ ये इन डेंजर ऑफ डेथ फ्रॉम लैक ऑफ फूड हैज इंक्रीज टू फोर लैख विच इज एन इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी टू परसेंट ओवर ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस से अगर आप अभी देखो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन डेंजर दे, ऑफ डेथ जो है इट हैज इंक्रीज टू फोर लैख मतलब बाईस परसेंट बढ़ गया है डेंजर ऑफ uh, डेथ और ये uh, uh, कितना हो गया है फोर लाख लगभग बच्चे ऐसे हैं जो कि डेथ ऑफ डेंजर ऑफ डेथ में है

नो फॉर्मल यूरोपियन बैंक चीफ द्रागी ही सेट टू भी इटली इज न्यू प्राइम मिनिस्टर इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे मारियो द्राघी तो नाम याद रखिएगा मारियो द्रागी ही इज गोइंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली दीज आर द थिंग्स आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको अच्छा लगा होगा इन न्यूज एनालिसिस को देख करके थैंक यू एंड है नाइस डे